आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रमस्टिक की सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट और लजीजदार बनेगी। दो ड्रमस्टिक जिसे अच्छे से छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जीरा, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 लहसुन के टुकड़े जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 2 टमाटर जिसे मैंने क्रश किया है, आप मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच नारियल और प्याज से बनाया हुआ मसाला। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड की है, आप देख सकते हैं। और नमक, अब हम गैस में पतीला रख के उसमें पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम अब 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक डालकर पानी में अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल करने के लिए रखेंगे, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। पानी में उबाल आ गया है, अब हम ड्रमस्टिक के टुकड़े इसमें डाल के 2 मिनट उबालने के लिए रखेंगे। ऐसा करने से ड्रमस्टिक सब्जी में जाकर टूटता नहीं है। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर लेंगे। गैस में पैन या कढ़ाई रखकर उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालकर गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल गर्म हो चुका है, गैस की आंच को हम धीमी रखेंगे क्योंकि हम इसमें सब मसाले डालने वाले हैं। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, लहसुन के टुकड़े और प्याज डालकर अच्छे से भून लीजिए। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, सौंफ और हींग डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। नारियल और प्याज से बना हुआ मसाला डालेंगे। इसे भी हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें क्रश किया हुआ टमाटर मिला लेंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। ये मेरे स्टाइल की रेसिपी है, मैं हमेशा ड्रमस्टिक की सब्जी ऐसे ही बनाती हूँ। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये सारी सामग्री अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें ड्रमस्टिक डाल देंगे। अब हमें इसमें कसूरी मेथी और थोड़ा नमक मिला लेना है, क्योंकि हमने प्याज और नारियल के मसाले में भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इन सबको मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालकर कुछ देर पकने के लिए रखेंगे। आपको जितनी ग्रेवी की आवश्यकता है उतना पानी आप मिला सकते हैं। आपको इसमें नॉर्मल पानी यूज करना है, ड्रमस्टिक का बॉईल किया हुआ पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। अब हम इसे कवर करके कुछ देर पकने के लिए रखेंगे। ऑलमोस्ट 10 मिनट से हमारी सब्जी पक रही है, अब हम ढक्कन उठा के चेक कर लेंगे। सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई है, अब हम इसमें गरम मसाला डालकर 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। एक मिनट हो गया है, मैंने गैस बंद कर लिया है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ड्रमस्टिक पूरा का पूरा वैसे ही है, क्योंकि हमने इसे पहले ही अलग बॉईल कर लिया था। ऐसे करने से हमारा ड्रमस्टिक सब्जी में जाके टूटता नहीं है। अब हम ऊपर से इसमें धनिया डाल देंगे। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी है, आप भी इसी तरह ड्रमस्टिक की सब्जी बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे हम चावल, रोटी, पराठा सब खा सकते हैं। यदि आपको मेरे स्टाइल की रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अथवा कमेंट्स कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।